दोस्तों हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैकेनिकल टेलीविजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन लॉजी बेर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेजलो और जॉर्ज बीरो ने। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेस रदरफोर्ड ने। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर हमारा जे.जे. थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की खोज किसने की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर आपका हो जाएगा वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा कोलंबस ने। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ईयर में की थी तो 1492 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केल्विन स्केल का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड केल्विन विलियम थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायनामाइट की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में। इसका आंसर आपका हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर के पिता किसको माना जाता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले पब्लिक साइड हैलेट मोबाइल फोन किसने बनाया था? दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन कपूर ने। हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरेनियम की खोज किसने की थी? ये हमारा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन हैरिस कल्फ्रोन ने। हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की दोहरी प्रकृति की खोज किसने की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर आपका हो जाएगा लुइस डी ब्रोगली ने। हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, जो कि भारत आने वाला प्रथम समुद्री यात्री था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लिक्विड पेपर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा बेसी नेम्स ने। हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुनने की खोज किसने की? दोस्तों ये तो इजी सा क्वेश्चन, आपको पता ही होगा आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्मामीटर की खोज किसने की थी? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जिल्स्टर टोरेसेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इसका आंसर आपका हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। ठीक है दोस्तों, जो आप सेकंड में देख रहे हैं ये विलियर राइट्स, इनको आप याद करो या ना करो कोई इंपोर्टेंस नहीं है, बट राइट ब्रदर्स ये करना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आप इतना ध्यान रखें कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा में लिखने वाले पेन का आविष्कार किसने किया था?
दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा मैक्स बोग एंड पीटर डिलवर्थ ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम्स में। इसका आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोलोनियम और रेडियम की खोज किसने की थी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स का आंसर आपका हो जाएगा जोसेफ प्रीस्टले ने। फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैस मास्क की खोज किसने की थी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्मस्ट्रांग मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में। एंड इसका फ्रेंड आपका आंसर हो जाएगा मार्टिन बेहम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिस्कोग्राफ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार इनसे पूछा गया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा विलियम रोडजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा एंटोनी ओलिव होक ने, जो कि जीवाणु की खोज करता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, मनुष्य के रक्त ग्रुप की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्ल स्टेन ने। ठीक है आज का हमारा क्विज प्रश्न देख लेते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, और अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो